ये वीडियो एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए, एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आज पूरी दुनिया में चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस क्या है, कैसे फैलता है, कैसे भारत में आ गया और कैसे आप छोटी छोटी चीज़ें करके इससे बच सकते हैं। सो इफ़ यू वांट टू नो देन जस्ट कीप ऑन वॉचिंग। कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस एक लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस है जो अधिकतर जानवरों में पाए जाते हैं, लेकिन बहुत रेयर केस के अंदर ये जानवरों से इंसानों में आ जाते हैं। और कोरोना वायरस के केस में ऐसा ही हुआ है, जानवरों से ये हम इंसानों के अंदर आ गया है। कोरोना वायरस कैसे फैल सकता है? नंबर वन, हाथ मिलाने से। अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान से अपना हाथ मिलाएं और फिर बिना अपना हाथ धोए या हैंड सैनिटाइजर यूज़ करें वही हाथ अपने चेहरे पर या अपने मुंह पर या अपने किसी भी बॉडी पार्ट पर लगाएं, तो वो वायरस आपके अंदर आ सकता है। दूसरा, अगर एक इन्फेक्टेड इंसान ने खांसा है हवा के अंदर और उस हवा में वो वायरस फैल गया है और आप या उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, आप उसके आसपास खड़े और आपने वही हवा वही एयर अपने अंदर ले ली है, तो आपको भी ये वायरस हो सकता है। तीसरा, फीकल कंटामिनेशन, मतलब वेस्ट, ह्यूमन बॉडी वेस्ट जहाँ पर हो, जहाँ पर अनहाइजीनिकनेस हो, जहाँ पर गंदगी हो ह्यूमन वेस्ट की, अगर आप उसके आसपास भी खड़े हैं तो भी आपको ये वायरस हो सकता है। और लास्ट पॉइंट, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को टच करना, मतलब अगर एक इंसान जिसको ये इन्फेक्शन है उसने कोई भी ऑब्जेक्ट छुआ है और उस ऑब्जेक्ट पे वो वायरस आ गया है और आपने बिना समझे बिना सोचे उस ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में ले लिया और बिना हाथ धोए या सैनिटाइज करे अपने वो हाथ चेहरे पर या मुंह पर लगा लिया, तो आपको ये वायरस हो सकता है। कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? कोरोना वायरस के सिम्टम्स एक नॉर्मल कफ एंड कोल्ड, जैसे जुकाम खांसी होती है जब हमें, तो उसी की तरह सिम्टम्स होते हैं। मतलब पहला, आपको खांसी होगी कफिंग। दूसरा, आपको जुकाम लग सकता है, मतलब रनी नोज। तीसरा, बुखार। चौथा, आपके सर में दर्द हो सकता है। पांचवा, आपको ऐसा लगेगा कि आप ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि वायरस का खतरा ज़्यादा उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जिनका इम्यून सिस्टम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मतलब छोटे बच्चे या उम्र में बुज़ुर्ग लोग। उन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी यंग लोगों से कंपेयर्ड वीक होती है, इसलिए चांसेस इन लोगों को ये वायरस होने के ज़्यादा हाई होते हैं। अब बात करते हैं कोरोना वायरस के प्रिवेंशन की। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, लेकिन इस केस के अंदर कोरोना वायरस का कोई क्योर अभी तक आया ही नहीं है। कोरोना वायरस के लिए कोई ऐसी वैक्सीनेशन नहीं बनी है अभी तक जिससे आप बिल्कुल क्योर हो सकते हैं, लेकिन हाँ, प्रिवेंशंस ज़रूर हैं। कुछ ऐसे प्रिवेंशन जिनको आप एक लाइफस्टाइल बना सकते हैं जिससे आप किसी भी वायरस से, फिर चाहे वो कोरोना वायरस हो या कोई भी वायरस हो, उससे अपने आप को बचा सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको प्रिवेंशन में बताया है, वॉश योर हैंड्स, मतलब अपने हाथ अच्छे से धोइए। सेकंड, सैनिटाइज योर हैंड्स। गाइज, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना ज़रूरी है अपने हाथों को सैनिटाइज करना या उन ऑब्जेक्ट्स को सैनिटाइज करना जो आप बहुत ऑफन उठाते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन या आपका पर्स या कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत ऑफन जिस पर हाथ रखते हैं। थर्ड प्रिवेंशन है कि आप अपने सरफेस एरिया जिस पर आप हाथ रख रहे हैं, जैसे अगर आप दफ्तर जाते हैं, आप दफ्तर पर अपने टेबल पर हाथ रख, कोई भी चीज़ स्पेशली सर्फेस जिस पर आप जाने अनजाने अपना हाथ रखते हैं, उस सरफेस को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगेन मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, आपको नहीं पता कि उस सरफेस पर कौन से जर्म्स हैं कौन से नहीं हैं, उस सरफेस पर किसके इन्फेक्टेड जर्म्स आ गए हैं, आकर सेटल हो गए हैं, यू जस्ट डोंट नो। इसलिए आपको ये सब चीज़ें प्रिवेंट करनी। नेक्स्ट प्रिवेंशन, अगर आप किसी पब्लिक एरिया में जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, अपनी राशन खरीदने जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, किसी भी ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग हों, तो आपको क्या करना है,
आपको एक मास्क पहन कर जाना है। ये मास्क सारे केमिस्ट पर अवेलेबल है। आपको एक ऐसा मास्क, स्पेशली वो मास्क जो N95 हो। N95 ये कोई ब्रांड नहीं है, ये एक तरीके की प्रोटेक्शन बताता है कि वो कितना दे रहा है। N95 वाली प्रोटेक्शन वाला मास्क आप खरीदिए। पब्लिक एरिया में जब भी जा रहे हो तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये मास्क पहनना है। इससे अगर कोई भी जर्म, इन्फेक्शन, वायरस हवा में भी होगा, आप उसको अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हो। नेक्स्ट प्रिवेंशन इज कि आप अंडर कुक्ड मीट और एग्स अवॉइड कीजिए। बहुत अच्छे से कुक्ड एग्स और मीट ही कंज्यूम कीजिए। नेक्स्ट, अगर आपको खांसी जुखाम है या आपके किसी भी फैमिली या फ्रेंड को खांसी जुखाम या कोई भी ऐसा सिम्टम लग रहा है, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए कि वो किसी अच्छे डॉक्टर को जाकर अपने आप को चेकअप कराएं। ABP News आपको रखे आगे।